तो देखिए, सबसे पहले कोरल ड्राफ्ट ओपन करने के लिए आल प्रोग्राम पर जाएंगे। आल प्रोग्राम से ये लिखा है कोरल ड्राफ्ट ग्राफिक सूट X550, ठीक है, X550 राइट। इस पे जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के उसके एप्लीकेशन दिए गए हैं, तो हमें कोरल ड्राफ्ट X515 पर क्लिक करना है। इसका बेस्ट वर्जन कौन सा रहता है? सही 13 रहता है या 15? जितने ऊपर बढ़ते जाओगे उतने अच्छे होते जाएंगे। क्यों, क्या दिक्कत आती है? नहीं सर, मैं जितने ज्यादा एडवांस होंगे उतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर वेलकम विंडो आती है, इसमें सबसे पहले आपको मिलेगा, देखिए जितनी भी हमारे द्वारा फाइल बनाई गई हैं उनकी एक निश्चित लिस्ट मिलेगी। यहाँ से खोल सकते हो, यहाँ से न्यू, यहाँ से टेम्पलेट, यहाँ से व्हाट्स न्यू भी दिया रहता है, इसके बारे में आप यूज करके देख सकते हो, ठीक है। क्रिएट ग्राफिक मैप कैसे बनाते हैं, लर्न टूल, यदि कोई चीज की समस्या आती है तो यहाँ से इसको सीख भी सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर गैलरी भी दी रही है, ठीक है, जो भी आपके द्वारा फोटोज स्टोर की जाती हैं। फिर यहाँ से अपडेट्स भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये सारे एक वेलकम विंडो के अंदर दिए रहते हैं, क्लियर। ऑफिस हमने न्यू किया और ओके पर क्लिक कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हमारे सामने क्या डिस्प्ले हो जाएगा, एक पेज, ठीक। अब इसमें प्रीव्यू नहीं होता है, सामने ही जो कुछ देखता है वही प्रीव्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टूल बॉक्स कहलाता है, क्या कहलाता है, टूल बॉक्स, तो इसको आप चाहो तो इसको ऐसे रख सकते हो ऊपर, ठीक है, या साइड पर रख सकते हो सुविधा की दृष्टि से। ये कहलाता है मेनू बार, तो इसको भी आप ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना गायब नहीं कर देना, नहीं तो गायब कर देते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें दी गई हैं, तो यहां से हम इन्हें ला सकते हैं और हटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जैसे टूल बॉक्स गायब हो गया तो विंडोज पे गए, टूल बार पे गए और टूल बॉक्स पे क्लिक कर दिए तो आ गया, राइट। तो ये लाना और ले जाने वाला काम यहाँ से होता है। मेनू बार गायब है तो मेनू बार को फिर से राइट क्लिक किया, मेनू बार पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, तो जिस पर क्लिक करेंगे वह है शो और हाइड हो जाएगा, राइट, क्लियर। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम कुछ एक एक करके टूल्स के बारे में समझते हैं, क्योंकि मैं तो यही है इसके अंदर और भी है, लेकिन इनके द्वारा हम काम करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, जो चीज समझ चुके होंगे, जितने भी सोशल मीडिया पर पंपलेट, फ्लैक्स या बैनर्स जो डाले जाते हैं वो लगभग लगभग इसी से डिजाइन करके, यदि बेस्ट क्वालिटी में आ रहा तो इसी के द्वारा डिजाइन किया जाता है। तो हम कुछ करके देखते हैं, जैसे मान लो जे हो गया तुम्हारा पिक टूल, माने सिलेक्ट करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट को आप इसकी मदद से सिलेक्ट कर सकते हो, जे हो गया सिर्फ टूल्स। लेकिन इसके अंदर जैसे जिस टूल्स के अंदर जे बना हुआ है एरो जैसा, ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर और भी है। तो देखिए, सेव है, स्मग है, रफ है, फिर फ्री ट्रांसफॉर्म है, ये सब का अलग अलग काम होता है, ठीक है। यहाँ क्रॉपिंग के लिए होता है, जब भी कोई भी चीज को काटना हो, चाकू रेजर में टालना हो, वर्चुअल सेगमेंट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो सिंपल हम यहाँ से ले लेते हैं इलिप्स, ठीक है। तो इलिप्स राउंड बनाने के काम में आता है, देखिए अंडाकार वृत्ताकार आकृति बनाने के लिए इलिप्स का यूज किया जा रहा है। लेकिन यदि कंट्रोल का सहारा ले लिया जाए तो जी क्या होगा, फिर बिल्कुल वृत्त ही बनेगा। कंट्रोल के द्वारा जिसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यदि शिफ्ट के द्वारा करेंगे तो देखिए कैसे हो रहा है, आ रहा है ना, अभी देखिए कैसे भी हो रहा है, लेकिन इसके द्वारा एक देखिए,
जी गोल नहीं कहलाएगा, गोल करने के लिए आपको कंट्रोल, भले चपटा देखे लंबा देखे गोल कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर इसके अंदर और भी दिया है 3.11, ये क्या काम करता है? जय खींचा, ठीक है, नहीं है जिसे आपको चाहिए, दिख रहा है ना जी कहां तक चाहिए? यहां तक, नहीं जैसे ऐसा लग रहा है जैसे ऐसा हो कहीं से पलट दिया, सिंपल है, क्लियर? तो जी टूल्स आप इन टूल्स की मदद से आप काम कर सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा इसकी मदद से, इससे क्या करते हैं देखिए, कर पा रहे ना कोई भी आप लेफ्ट को सेलेक्ट करके, फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसके लिए सिर्फ टूल्स की बात। सिर्फ टूल्स क्या करता देखिए, यदि अंदर अंदर जी रखोगे और ऐसा लाइन खींचोगे तो ये पॉइंट जुड़े हुए रहे, लेकिन यदि आपने बाहर करके लाइन को आगे बढ़ाया, देखो एरो बाहर है और लाइन आगे बढ़ रही ना, तो जी भीतर खाली रहेगा, लेकिन यदि एरो अंदर है और लाइन को घटा रहा बढ़ा रहे हो तो जी पॉइंट जुड़ा रहेगा। कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या होगा जब भी हम बाहर से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, साइज को परिवर्तित करेंगे बाहर से, तो अंदर खाली लाइन रहेगी, लेकिन अंदर से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे कोई दिक्कत? फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर जिस शेप्स हो गया इसमें भी आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कंट्रोल क्यू करके, यदि आपने कंट्रोल क्यू कर दिया के, या अरेंज पे जाके कन्वर्ट टू कर्व कर दिया, तो ये कर्व में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये होता है आप सिर्फ टूल्स की मदद से आप जैसा चाहे वैसा सेप बना सकते हैं। आपने क्या किया, जैसे ये क्लिक किया कट, तो जैसा भी आप चाहे वैसा आप सिर्फ तैयार कर सकते हैं। तो जी किसके द्वारा हो रहा है? सेफ टूल्स के द्वारा। लेकिन कब हुआ इसको नहीं कर सकते आप, इसको नहीं कर सकते, इसको केवल आप सर्किल को चेंज कर सकते हो, हाफ कर सकते हो, लेकिन यदि इसके आकार में परिवर्तन करना है सेफ टूल की मदद से तो कंट्रोल क्यू करना पड़ेगा। ये कर दिया कंट्रोल, कंट्रोल क्यू का मतलब कर्व, कन्वर्ट टू कर्व। अब देखिए जगह जगह पर कन्वर्ट हो रहा है जैसा चाहिए वैसा, इसको देखिए बन रहा ना, देखिए ऐसा तो था ही नहीं सेफ वाला, ये था नहीं था, लेकिन हमने ऐसा कर लिया, ऐसा गड़बड़ हो रहा है, हो रहा ना? तो जैसा भी हमें चाहिए वैसा हम बदल सकते हैं कन्वर्ट कर, राइट? अब देखिए अब इसके बाद हम थोड़ा सा चलिए इसी को समझाते हैं पहले, ठीक, ये सिलेक्ट किया डिलीट किया, ये पेज को सामने रखा। अब पेज छोटा बड़ा स्क्रॉल से होता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहां से ये तो हो गया था, इसी प्रकार से तुम रेक्टेंगल बना सकते हो। क्या बना सकते हो? इसी प्रकार से रेक्टेंगल में भी एक बसता है 3-point रेक्टेंगल, ये क्लिक किया, क्लिक कर दिया, सेट होने, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें भी सेप की मदद से हम कॉनी राउंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देखिए पकड़ा और नीचे की ओर ड्रैग एंड, सिंपल। तो इस तरीके से हम, दूसरा तरीका यहां से भी है, यहां जितना कम ज्यादा करोगे उस हिसाब से क्रॉप कम ज्यादा होगी, देखिए
यदि हमने वेट दिया 5 हुआ तो यहां से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत? कलर भरने के लिए डायरेक्ट है ये आपके पास ऑप्शन। तो इस तरीके से भी हम कन्वर्ट टू ए सेम टूल्स का यूज कर सकते हैं। अब इसमें भी परिवर्तन करना है तो इसको कंट्रोल क्यू कर देंगे, क्या कर देंगे? कंट्रोल क्यू किया तो आप कर्व में कन्वर्ट कर सकते हो, ये लगा दिए देखिए, दिख गया? अपन ऐसा तो सिर्फ किया ही नहीं था, देखिए तो जैसा भी हमें सेप चाहिए वैसा हम सेप कन्वर्ट कर सकते हैं। और हमें जेंट्स तो इस तरीके से हम सारे कर सकते हैं, क्लियर? जैसे अब जी लाइन दिख रही ना, क्या दिख रहा है? फ्री हैंड, इसमें भी बहुत सारे हैं। तो फ्री हैंड के द्वारा आप जैसी लाइन खींचना चाहो खींच सकते हो, देखिए जैसे पेंसिल आपने पकड़ के खींची वैसी चलेगी। तो जैसी आप कृति आप बनाना चाहते हो वैसी बना सकते हो। आपने कहा नहीं यार सर हमें तो ये ऐसा बनाना था, जे लिया चेलिया ये पाल फिर ये जूट फिर ये इधर से चेहरा फिर हमने कहा नहीं सर इधर से हमें ये नाक और ये मुंह ये ओंट ये दाढ़ी इस तरीके से आप डिजाइन बना सकते हो। आपको लगा हाँ दो काम बना सकते हो, फिर आप इस शेप्स की मदद से जहां जिस जरूरत पड़े तो सुधार भी सकते हो, क्या कर सकते हो? यदि लग रहा है कि हमें सुधारना है तो सुधार सकते हो, ठीक है? तो जी सिंपल था ऐसी लाइन भी बना सकते हो। अब लाइन सीधी खींचने के लिए देते हैं व्यवस्था जी सेफ्टी के द्वारा खींचा, इसमें भी हम सेफ टूल की मदद का यूज करके इसको कन्वर्ट टू कर्व नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी आएगी सही। हो गया ना, फिर हमने क्या किया इस पे क्लिक किया, कंट्रोल सी किया कंट्रोल भी किया। अब चाहो तो जी एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है, देखिए जब नीचे की ओर खिसकाओगे तो ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है, हो रहा है ना जी, देखिए 84 क्या हो रहा है 82 आ गया ना। तो हमें हमने क्या किया इसको इसका कितना देखा, कंट्रोल सी कंट्रोल भी कितना है 86 है, 86 की जगह हमने कर दिया 170, कितना कम कर दिया 16 हो गया हमने, कंट्रोल सी कंट्रोल भी फिर 16 इसमें से कम कर दो तो कितना हो गया 70, 54 आ जाएगा। फिर कंट्रोल सी कंट्रोल भी कितना 16 कम कर दिया तो 4 बजे चले गए और 10 38 ये बन गया तिरंगा झंडा बन गया। आप सेट से भी कर सकते हो लेकिन अभी शुरुआती स्टेज पर हम काम कर रहे हैं, तो हमने या खिसका भी सकते थे, खिसका नहीं बनता नहीं लगता। अब उसी लाइन से ये लिखा है और इसको इससे जोड़ दिया
इसको इससे जोड़ दिया, जुड़ गया ना, इधर से इसको जोड़ दिया, इसको इधर जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, बन गया। अब कलर भरने की बारी आई तो जेली या स्मार्ट फिल का यूज कर सकते हो तुम, डाले ये डाल दिया, फिर हमने ये डाल दिया, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत। अब यहां पर हमें बनाना है अशोक चक्र, तो अशोक चक्र के लिए अभी हमें पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कंट्रोल के द्वारा, इसके द्वारा आ गया ना। अभी हम सीधी तीलिया डाले दे रहे तारे जी आ गया, और ये शिफ्ट के द्वारा नीचे जोड़ दिया, इसमें क्या देखते हैं। अब कंट्रोल जी करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, अब इसको बंद करके रखोगे तो ऐसे तीन ऑप्शन बनेंगे तुम्हारे, जितने माइनस है उनको सब पे क्लिक करते जाओगे तो वो प्लस में बदलते जाएंगे, तो ऐसे लास्ट में तीन बचेंगे। तो आपको जाना है कहां पर, डॉक्यूमेंट्स, उसके अंदर जर्नल, डॉक्यूमेंट्स जर्नल, और यहां पर जीरो ये लिखा है डुप्लीकेट ऑफसेट, हॉरिजॉन्टल में जीरो चाहिए और वर्टिकल में भी जीरो, और बड़े बटन ओके राइट, कंट्रोल डी करोगे। अब क्या करोगे, अब कंट्रोल डी करने से पहले एक चीज समझ लो कि जैसे हमने कैलकुलेटर लिया, क्या लिया, कैलकुलेटर, तो परिधि कितनी होती है 60, कितनी होती है 300। अब अशोक चक्र में तीलिया कितनी होती है, अरे 24, जैसे हमने दिया 15 डिग्री निकला, कितना, यदि हम इसको 15 डिग्री में कर दे तो जैसा कंट्रोल जेड, कंट्रोल डी किया, फिर यहां पर 15 डिग्री दे दिया और कंट्रोल डी करते जाएंगे, तो ये हमारा अशोक चक्र तैयार, और तिरंगा हमारा वो नहीं है, क्लियर हुआ, कैसे हुआ देखिए, सबसे पहले हमने एक लाइन ली शिफ्ट के द्वारा सीधा किया ओके, फिर हमने इस शेप टूल की मदद से इस पे क्लिक करके, इस पे क्लिक करोगे जो पॉइंट खुलेगा ना, आगे क्लिक करोगे जो खुल जाएगा, फिर आपको नीचे डाउन करना है या ऊपर जैसा भी करना है, तो आपकी इच्छा है कितना लहराना है, फिर आप क्या करेंगे, यदि ऑफसेट करना चाहते तो ऑफसेट भी कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल जे करके या इधर क्लिक करके आप इस चेक कर लेंगे जीरो है कि नहीं है, तो कंट्रोल डी किया, क्या किया, अब कितना खिसकाया, जे आपने खिसका के देखा कितना चाहिए हमें, कंट्रोल डी में हमें नाप देने की जरूरत नहीं होती है, फिर कंट्रोल डी डायरेक्ट क्लिक करोगे एक बार सेट करने के बाद, तो ऑटोमेटिक उस अनुपात से वो आगे ऑफसेट बनने लगेगी, तो इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट। अब यहां फिल लिखा स्मार्ट फिल, तो इसकी मदद से, इसकी मदद से हम, चलो यही डाल दे रहे हैं, लो ओके, फिर इसके बाद चक्र बनाना है, तो ये कंट्रोल के द्वारा राउंड बनाएंगे ओके, इसका कलर हमने ब्लू कर दिया, दो बटन है माउस में है तो तीन चार, लेकिन राइट बटन को, लेफ्ट बटन को, राइट बटन को हमने क्लिक किया तो ये लाइन कलर, और यदि इस पे क्लिक कर देते तो अंदर का कलर, लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो अंदर का कलर, और राइट क्लिक करेंगे तो यहां से हमने खाली कर दिया। अब हुआ क्या, यहां से हमने यहां गए
तो ये जैसे यहाँ पर शिफ्ट के द्वारा हमने बीचों बीच करके और ये कर दिया, इस लाइन को भी बदल दिया कलर। अब कंट्रोल डी किया और यहां पर 15 टाइप कर दिया, इंटर करते जाएंगे। इस तरीके से हमारा ये एक तरंग तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब यदि हमें इसे इमेज के रूप में बनाना है तो फिर इसके जस्ट बाद कंट्रोल ई करना पड़ता है या एक्सपोर्ट। जी आगे ठीक है, और एक्सपोर्ट कर दें। तो इस तरीके से हमारा फ्लैग, अच्छा बीच में व्हाइट कलर और डाल ही देते हैं क्योंकि ये बीच में कोई कलर नहीं दिया है तो ये खाली आ रहा है। देख व्हाइट, ठीक। अब देखोगे दोनों में अंतर दिखा देते हैं। ओके, तो यहां पर जो तुम्हारे फ्लैग्स देखिए इसका कलर कुछ नहीं है, तुझे बैकग्राउंड कलर दिखा रहा जबकि इसमें हमने कलर वाइट डाला। अब जी अंदर और कलर नहीं भर पाया, देख ये गड़बड़ हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये बैकग्राउंड कलर चल रहा है यहाँ, क्या चल रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, कोई भी इमेज, लोगो, मोनो